अररिया की घटना, अब्बाह की घटना, विपक्ष के नेता बोलते हैं कि इस कौम पर कुछ होगा तो मैं देखूंगा। अरे सभी कौम पर कुछ भी होगा तुम देखोगे, ये बात बोलो ना। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। हम मुस्लिम के लिए हैं, हम हिंदू के लिए हैं, बंद करो भाई ये नाटक। में जिस तरीके का भी माहौल देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय जो है सड़क पे आ चुका है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, देश के सभी जिम्मेवार लोगों का फर्ज है, मीडिया से लेके नेता से लेके आम जनता का, कि देश के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे। और 140 करोड़ देश की जनता का सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। अररिया की घटना जो है सही बातों को अच्छे तरीके से लोगों के सामने नहीं रखा गया, जिस कारण लोगों में रोष आया है। अररिया के सांसद का अगर पूरा वीडियो फुटेज देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि हिंदू को जात पात में नहीं बंटना है, अररिया में अगर रहना है तो सभी हिंदू को एक बनकर रहना चाहिए, लेकिन उसी को दूसरे तरीके से परोसा गया। अंतिम दो लाइन को मीडिया के कुछ, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह चले, आप लोग उसमें नहीं, दिखा दिया कि अररिया में रहोगे तो हिंदू बनना होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। हिंदू बनना होगा यानी हिंदू बन के सबको रहना होगा, जो हिंदू के अलग अलग जाति है। उसके बाद भी उन्होंने एक लाइन कहा कि आपस में हिंदू में सबको शादी ब्याह करना पड़ेगा, यानी सब लोग एक बन के रहो। समाज में क्या है कि बहुत तरह के लोग हैं, मीडिया में भी बहुत तरह के लोग हैं, नेता में भी बहुत तरह के लोग हैं, जिनको इन सब और इस तरह की बातों में हर वक्त घी डालकर आग फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, जो सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, चाहे कोई भी हो, किसी दल का। इसीलिए अररिया की घटना अब्बाह की घटना है, और लोगों को इस तरह के बातों में नहीं पड़ना चाहिए। सब जगह राजनीतिक दुकानदारी करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। हम मुस्लिम के लिए हैं, हम हिंदू के लिए हैं, बंद करो भाई ये नाटक। काहे हिंदू मुस्लिम के लिए रहते हो, देश के लिए रहो ना। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सारा चीज तो देश से हमको मिल रहा है, हमारा क्या फर्ज है? इस देश के अंदर एक प्यार का माहौल बना रहे, यही सभी नेताओं का काम है। प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं कि इस कौम पर कुछ होगा तो मैं देखूंगा। अरे सभी कौम पर कुछ भी होगा तुम देखोगे, ये बात बोलो ना। इस देश के किसी भी जनता पर कुछ भी होगा तो हम साथ हैं। तो इस तरह की बातें हैं। खैर चलिए, और न्यूज के लिए सब ठीक है। तो सर, ईट से ईट बजाने की बात कहे हैं तेजस्वी यादव जी ने। मैंने, आपने मेरी बात अगर सुनी होगी तो आपके जेहन में कुछ भी सवाल नहीं आएगा। आप जब मेरी बात सुने होंगे इतना देर से मैंने क्या क्या कहा, तो तीन चार दिन आपको लगेगा उसमें डुबकी लगाने में। चुनाव से पहले इस तरीके का बयान कहां तक उचित है? देखिए, चुनाव अलग चीज है, और चुनाव से इन सब चीजों को कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं। किस तरह का बयान? मैंने कहा, बयान को तो मैंने समझाया, फिर भी आप बोल रहे हैं इस तरह का बयान। इसका मतलब है कि जनता में काफी आक्रोश दिख रहा है।